गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन ए लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस. इस चैप्टर में हमने जो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा वो लिमिटेड था, पर डिस्क्रिप्टिव था, यानी कि डिटेल में था. We have understood democracy as a form of government. हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म है गवर्नमेंट की, ये एक तरह की गवर्नमेंट है. This way of defining democracy help us to identify a clear set of minimum features that a democracy must have. इस तरह से हम डेमोक्रेसी के सभी फीचर्स के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं. द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन अवर टाइम्स इज दैट ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. पर आज के समय में जो कॉमन फॉर्म डेमोक्रेसी की हम देखते हैं वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस, यानी कि आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में तो पहले भी पढ़ चुके हैं. इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी, और इसको आज हम डेमोक्रेसी ही कहते हैं. इट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नोन एज द डेमोक्रेसी. ऑल द पीपल डू नॉट रूल, सभी पीपल इसमें रूल नहीं करते. ए मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, सभी लोगों के बिहाफ पर जो मेजोरिटी है वो डिसीजन लेती है. Even the majority does not rule directly. Majority कभी भी directly rule नहीं करती. The majority of people rule through their elected representatives. उनके जो elected representatives होते हैं वही rule करते हैं. This become necessary because, और ये आवश्यक है क्यों, यानी कि representative democracy आजकल common है क्यों. Because modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. आज के टाइम में डेमोक्रेसी में इतने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं कि कहीं पर भी वो इकट्ठे मिलकर नहीं बैठ सकते और ना ही कलेक्टिवली कोई डिसीजन ले सकते हैं. इवन इफ दे कुड, और अगर ऐसा भी हो भी जाए, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, उनके पास टाइम नहीं है, द डिजायर कोई इच्छा भी नहीं है, और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस, और ना ही इस तरह की स्किल है कि वो डिसीजन में पार्ट ले सके. दिस गिव्स अस ए क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इससे हमें डेमोक्रेसी के बारे में जो मिनिमम फीचर्स हैं उसके बारे में पता चलता है. This clarity help us to distinguish democracies from non-democracies. अब हम democracy और non-democracy के बारे में distinguish कर सकते हैं, but it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. पर अभी हम democracy और good democracy के बीच में कोई भी अंतर नहीं कर सकते. It does not allow us to see the operation of democracy beyond government. इसमें हम सरकार से अलग होकर के डेमोक्रेसी को नहीं देख पाते. For this, we need to turn to broader meaning of democracy. इसीलिए हमें डेमोक्रेसी के एक ब्रॉडर मीनिंग को जानने की जरूरत है, एक बड़ी चीज को जानने की जरूरत है, उसके एक्सपेंड मीनिंग को जानने की जरूरत है. Sometimes we use democracy for organizations अदर देन द गवर्नमेंट. कभी कभी गवर्नमेंट से अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें भी हम डेमोक्रेसी के रूप में देखते हैं. जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट, इसमें कुछ पॉइंट्स हमारे सामने हैं. फर्स्ट, वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली. डेमोक्रेटिक फैमिली में है, वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली. वेन एवर ए डिसीजन हैज टू बी टेकन, वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट ए कंसेंसस. My opinion matters as much as my father's. इसमें है कि हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली से हैं और जब भी हमें डिसीजन लेना होता है तो हम सब इकट्ठे बैठते हैं और एक डिसीजन पर पहुंच जाते हैं.
एक स्वीकृति पर, एक सहमति पर पहुंच जाते हैं। माई ओपिनियन मैटर, मेरी ओपिनियन भी उतना ही महत्व रखती है जितना कि मेरी फादर का। यहाँ पर हमें डेमोक्रेसी दिखाई दे रही है। सेकेंड, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डो नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। वो टीचर को पसंद नहीं किया करते हैं इसमें जो कि बच्चों को क्वेश्चन पूछने ही नहीं देती और बोलने ही नहीं देती। इट वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। इसका मतलब वो टीचर डेमोक्रेसी के बारे में नहीं जानती, डेमोक्रेसी के नेचर को नहीं समझती। थर्ड, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी। अगर एक लीडर और उसकी फैमिली मेंबर्स मिलकर पार्टी में हर चीज को डिसाइड करते हैं, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये काहे की डेमोक्रेसी है? इसका मतलब उसमें डेमोक्रेसी नहीं है। दीज वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ ए मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस। इसमें हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। ए डेमोक्रेटिक डिसीजंस इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजंस। जो डिसीजन डेमोक्रेसी में लिए जाते हैं उसमें विचार विमर्श और सहमति के द्वारा उस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। उन सभी लोगों की सहमति ली जाती है जो कि उससे अफेक्ट रखते हैं। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। और उसमें उस व्यक्ति के डिसीजन का, उसकी राय का भी उतना ही महत्व है जो कि पावरफुल नहीं है और जो पावरफुल है। कहने का मतलब है दोनों को इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है। दिस कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट और ए फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज गवर्नमेंट पर अप्लाई होती है, फैमिली पर भी होती है और किसी और ऑर्गेनाइजेशन पर भी अप्लाई हो सकती है। दस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो ए प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्पीयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जिससे कि हम अपनी लाइफ के किसी भी भाग पर, कहीं पर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम्स वी यूज द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम। कभी कभी हम जो वर्ड डेमोक्रेसी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए गवर्नमेंट की बात नहीं करते जो प्रेजेंट में वहां पर गवर्नमेंट है, बल्कि उन ऐसे आइडियल्स की बात करते हैं जो कि होने चाहिए या जिसकी एक डेमोक्रेसी इच्छा रखती है। फर्स्ट, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली वेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। सही मायने में ट्रू डेमोक्रेसी तब आएगी जब कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति, हर सिटीजन इक्वल रोल प्ले करेगा डिसीजन मेकिंग में। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। इसके लिए सिर्फ इक्वल राइट टू वोट से ही काम नहीं चलेगा। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन। हर एक के पास इक्वल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए एंड ए लॉट ऑफ कमिटमेंट, और साथ में उसकी पूरी निष्ठा भी होनी चाहिए। इफ वी टेक दीज आइडियल्स सीरियसली, अगर हम इन आइडियल्स को सीरियसली लें, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज ए डेमोक्रेसी। तो शायद विश्व के किसी भी देश में डेमोक्रेसी नहीं है। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड्स अस ऑफ व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। फिर हम डेमोक्रेसी को इतनी वैल्यू क्यों देते हैं? इट इनेबल अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। वो हमें प्रेजेंट में जो डेमोक्रेसी है उसको जज करने का मौका देती है और साथ में ही प्रेजेंट में जो प्रोसेस या जो सिस्टम है उसके वीकनेस को भी हमें बताती है। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मिनिमल डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी, और यह हमें मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के डिफरेंसेस को भी समझाती है। इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ द डेमोक्रेसी। इसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है। अवर फोकस हियर इज विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ सिर्फ हमने उसके मेन इंस्टीट्यूशनल फीचर्स को ही पढ़ा है, यानी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जाना है। एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नोट दैट डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मैनी स्पीयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी हमारी लाइफ के बहुत सारे स्पीयर्स पर अप्लाई की जा सकती है एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म्स, और वो बहुत
फॉर्म्स भी, बहुत सारे रूप भी धार सकती है, धारण कर सकती है. देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन ए डेमोक्रेटिक मैनर. डेमोक्रेटिक तरीके से अगर हमें डिसीजन लेना है वो भी हम कई तरह से ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड. इक्वल बेस पर लोगों के साथ हम कंसल्ट करके भी डिसीजन को ले सकते हैं. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. अगर आज के टाइम में हमें कॉमन डेमोक्रेसी की बात करें, कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, तो इसका मतलब होता है कि वही लोग रूल करें जिनको कि लोगों ने चुना है, यानी कि पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही शासन करें. वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 4. बट इफ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजंस. पर अगर हमारी कम्युनिटी स्मॉल है, बहुत कम लोग हैं, तो हम एक अलग तरह से भी डेमोक्रेटिक डिसीजंस ले सकते हैं. ऑल द पीपल कैन सिट टूगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली. लोग इकट्ठे बैठ जाएं और डायरेक्टली ही अपनी रूल करने के सिस्टम के बारे में डिसीजन ले लें. दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन ए विलेज. और इसी तरह से हमारी जो ग्राम सभा है वो विलेजेस में काम करती है. दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज ए परफेक्ट डेमोक्रेसी. अब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री पूरी तरह से परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है. द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशंस ऑफ ए डेमोक्रेसी. हर देश में मिनिमम डेमोक्रेसी की कंडीशंस ही अप्लाई होती हैं. दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी. और सच बात तो ये है कि ये एक आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है. एवरी डेमोक्रेसी हैज टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. हर डेमोक्रेसी इस बात के लिए पूरी कोशिश करती है कि वो अपने डिसीजन मेकिंग में पूरे डेमोक्रेसी के आइडियल्स को यूज करे. दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल. पर इसको अचीव करना इतना आसान नहीं है, एक बार भी नहीं और सभी के लिए भी नहीं. दिस रिक्वायर्स ए कंस्टेंट एफर्ट्स टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. इसके लिए क्या जरूरत है कि हमें लगातार एफर्ट्स करने चाहिए और डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए इन द फील्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग. वट वी डू एज सिटीजन कैन मेक ए डिफरेंस टू मेकिंग अवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक. अब हम क्या कहते हैं, सिटीजन कैन मेक ए डिफरेंस. क्या वो हमारे देश को ज्यादा या कम डेमोक्रेटिक बनाने के लिए डिफरेंस कर सकते हैं. दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी. ये तो डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस है. द फेट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन वट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन वट वी एज सिटीजन्स डू. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का भविष्य इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि रूलर्स क्या करते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि सिटीजन्स क्या करते हैं. दिस इज वाट डिस्टिंग्विश्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट. और इसीलिए यहीं पर हम डेमोक्रेसी के साथ और तरह की या दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं. अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स. मोनार्की में, डिक्टेटरशिप में, वन पार्टी रूल में किसी में भी सिटीजन को कभी भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देते. इन फैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड लाइक सिटीजन्स नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स. और इस बात को पसंद ही नहीं करते कि सिटीजन्स गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें. बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. पर जो डेमोक्रेसी है वो किस बात पे डिपेंड करती है, एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन. कि सभी सिटीजन पॉलिटिक्स में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें. दैट इज वाई ए स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. और इसीलिए डेमोक्रेसी को हम किस चीज पर फोकस करते हैं, डेमोक्रेसी को जानने के लिए हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर ही फोकस करते हैं. थैंक यू.